मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। लखनऊ में अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में महाराज जी विराजमान हैं, वहां के महंत पुजारी जी हैं, भक्तों का आना जाना सांध का समय है, अब बंद हो चुका है और उनके साथ बैठे हैं उमादत्त शुक्ला। आज उनका फिर दूध से सामना हुआ है, वो संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूं। एक चीज और बता दूं मैं कि उमादत्त शुक्ला की लखनऊ में फोटोग्राफर की दुकान है और जब से महाराज जी से संपर्क हुआ तो वो महाराज जी के साथ ही आते जाते हैं। वहां उनका जो कार्यकर्ता था वही काम करता और बीच बीच में उसको देख आते हैं, पूरा संत जीवन बिताने लगे। नसीब की बात है। तो अब महाराज जी लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, सीतापुर जाते हैं, बाराबंकी जाते हैं, आगरा जाते हैं, बहुत जहां जहां भक्त हैं वहां उनकी यात्रा चलती रहती है। आपको पता है कि कुछ स्वयं महाराज जी को भी पता होता है कि अब कहां जाना है। तो उस भ्रमण में उमादत्त शुक्ला साथ में रहते हैं। उनकी एक आदत, वो नित्य पूजा करते हैं। घर में भी स्नान ध्यान करने के बाद पहले पूजा करते थे, अब भी महाराज जी के साथ में भी होते हैं तो भी फिर वो ना स्नान ध्यान करके पूजा का समय निकालते हैं और पूजा करते हैं। अपने दिन दैनिक जो कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं। तो उस दिन विराजमान है अलीगंज हनुमान जी के मंदिर में। होता क्या है, जो वहां के महंत हैं उनके लिए दूध आता है। दूध मैं बहुत जारी समझता हूं, मलाई मलाई पड़ी हुई है उसमें, उसमें मेवा पड़ी हुई है। महंत क्या करते हैं कि उसको एक घूट पीते हैं और उमादत्त शुक्ला की तरफ बढ़ा देते हैं। महाराज जी बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उमादत्त शुक्ला की तरफ वो गिलास बढ़ाया है, उमादत्त शुक्ला अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे। ये क्षणों की बात है, वो हिचकिचा रहे हैं। इसी बीच महाराज जी बोल पड़ते हैं, ले ले। जैसे ही वो कहते हैं, उमादत्त शुक्ला अपना हाथ बढ़ा के गिलास थाम लेते हैं और अब एक उहापो की स्थिति उनके मन में होती है। मैंने एक कथा और सुनाई थी, जब महाराज जी ने भोग लगा के दिया था तब उनके अंदर वो भावना नहीं आई थी प्रसाद वाली, और यहां तो महंत है अलीगंज हनुमान जी का सेवक यानी पुजारी, वो झूठा करके हमको दे रहा है। ये महाराज जी की लीला है। अब उमादत्त शुक्ला उस प्रसाद को लिए हुए द्वंद में है। महाराज जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, महंत से कभी कभी बीच बीच में बात करते हैं और वो गिलास पकड़े सोच रहे हैं कि पिए कि न पिए। अगर पीते हैं तो झूठा खाने की आदत नहीं, आत्मा की जो आत्मा की आवाज है ना, आत्मा को दबाते हुए कब जो कोई काम करना पड़ता है तो वो करना पड़ेगा। और अगर पीते हैं और नहीं पीते हैं तो प्रसाद का अनादर होता, आया तो प्रसाद रूप में ही है। तभी उस उहापोह द्वंद्वता को महसूस करते हुए महाराज जी कहते हैं, क्या बात है उमादत्त, पी ले। और उमादत्त उस दूध को पी लेते हैं। प्रसंग बस मैं एक बात बता दूं, उमादत्त शुक्ला को झूठा खाने की आदत नहीं थी, लेकिन संत जीवन में हर तरह से पकाया जाता है, निखारा जाता है। पारस जब बनता है ना, पारस से लोहा छूते तो सोना हो जाता है, और वो तो संत जनों के संरक्षण में जो लोग होते हैं वो पारसी पत्थर होते हैं। जब उनको बनाया जाता है तो उनके मन में जो द्वंद्व होता है उसे निकाला जाता है और भक्त भाव की प्रबलता को उसमें समाविष्ट किया जाता है। तो आपको याद होगा कि रब्बू दादा रविंद्र कुमार जोशी जी के रब्बूदा के किस्से भी भूले नहीं होंगे। तो उसमें एक किस्सा था कि महाराज जी वहां जब
जो भक्त लोग आते थे उनमें जो लड़कियां होती थी उनके पैर छुआया करते थे, याद है ना? तो क्यों छुआते थे? क्योंकि उनसे सबका बहन सरीका रिश्ता बनता था। रबुदा की मुखारविंद से ज्यादा अच्छा लगा होगा, खैर मैंने तो केवल याद दिलवाई। तो वो एक चीज, और यहां पर वो बिल्कुल पैरेलल एक व्यवस्था बन रही है कि दूध झूठा और वो अब पीते हैं। इसके बाद तो फिर उमादत्त शुक्ला को जहां कहीं इस किसी संत का अगर प्रसाद मिल गया तो उन्हें फिर कोई गुरेज नहीं किया। शुरुआत में ऐसा होता है लोगों के साथ। तो मित्रों, अगर संत आपको कोई प्रसाद दे रहा है, आप ग्रहण कर लीजिएगा, तहे दिल ग्रहण कर लीजिएगा, तभी उसका फल और उसमें पुण्य की प्रबलता बढ़ जाती है। आज इतना ही। लाभ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।